गुड मॉर्निंग दोस्तों, KTM की कोकन राइड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत जो है हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से करेंगे, और ब्रेकफास्ट के बाद में KTM की तरफ से जो भी राइडर्स इस राइड में आए थे उन सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और बस सर्टिफिकेट के बाद में जो है हम सीधे मुंबई के लिए करीब करीब मैं समझता हूँ कि 10 बजे के आसपास मुंबई के लिए हम निकलेंगे। और 4 दिन की हमारी ये जर्नी, 4 दिन का हमारा ये एडवेंचर का आज ये आखिरी दिन है और ये खत्म हो जाएगा आज। तो सब ढेर सारी यादें, ढेर सारी खट्टी मीठी बातें, ढेर सारी ऐसी मेमोरीज को हम साथ में ले जा रहे हैं कि जो जीवन भर हमारे साथ रहेगी, जीवन भर हमें कुछ ना कुछ उसे सीखने मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम सब के लिए, हम सभी राइडर्स के लिए खास तौर पे, बिकॉज हम सबको ऐसा ही लगता है कि हम बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं, लेकिन जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में कहीं राइडिंग के लिए जाते हो तब आपको अपनी कमियां जो है वो समझ में आती है कि राइडिंग सिर्फ बाइक को चलाना ही नहीं है, किस तरीके से चलाना है, किस रास्ते पे कैसे चलाना है, किस जगह पे कितना एक्सीलेटर देना है, कहाँ कम देना है, उसके टेक्निकल पार्ट्स के बारे में जानकारी जो होती है, जो किस वेदर में वो कैसे उसको कैसे हैंडल करना है, काफ़ी छोटी छोटी बारीक जानकारियाँ होती है, वो आप बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी एक्सपर्ट राइडर के नहीं सीख सकते हो। दोस्तों तो मैं इन सभी जानकारियों के लिए तहे दिल से राजीव शाह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, बहुत सी बारीक जानकारी उन्होंने हमें सिखाई है। तो दोस्तों फिर एक बार कहूँगा कि आप भी जब शुरुआती दिनों में कभी राइड के लिए जाए तो ज़रूर ग्रुप में जाए, फिर धीमे धीमे सोलो की ओर अगर आपका इंटरेस्ट हो तो जाए, लेकिन सोलो जाने के पहले आपको अधिक से अधिक जानकारियों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, बाइक को और बाइक से रिलेटेड कई आने वाली प्रॉब्लम्स को भी समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सोलो राइड के लिए जाए। Hi, Kiran Thakkar, really excited to get this. First time participating in a long ride. Thanks to Rajiv sir, amazing leadership quality. Thanks to all my colleagues, peer colleague riders. They were too good. They were very disciplined. Though the tagline is ready to race, but we were doing the rally in a very, very nice disciplined way. Enjoyed it thoroughly. Thank you so much. Good job. Hi, my name is Rohit Jonas and this is my first ride with KTM or with any group. And from the start, I just loved it. I felt like I was being treated very well, and especially when I was ill from dehydration, they looked after me really well. Honestly, I felt like Roger Federer at Wimbledon, so well they looked after us. And the leader is an expert, full of humor, full of stories, full of good advice, and the fellow riders very friendly, very welcoming. I felt really good about it. So I recommend anyone who has a bike who wants to try it, please do it. Thanks. Hi, मेरा नाम शिवली है। ये फर्स्ट टाइम है मेरा ग्रुप राइड में, बहुत मजा आया। और थैंक्स टू राजीव सर, बहुत अच्छा लीड किए। थैंक यू। गाइस, आई एम नितीश नियो एंड नितीश पाटिल नितीश नियो फॉलो किए। सो पॉइंट ये है कि आई लव द राइड। आई जस्ट वांट टू से 3 वर्ड्स, दैट इज व्हाट डिड आई लाइक अबाउट इट? राइड, मास्टर लीडर, अपना कैप्टन जो है राजीव सर, एंड द फैंटास्टिक ग्रुप वी हैड। Hi, my name is Vinayak and I enjoyed a light this ride very much. This is my first ride actually as a very long distance ride, and the ride was very amazing and I enjoyed a lot. विनायक, एक बात मैं तुमको पूछना चाहूंगा कि कल का तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था? तुम्हारी खुद की मिस्टेक थी कि मेरी खुद की मिस्टेक थी? तो एक्सपीरियंस जरा शेयर करो ताकि सबको मालूम पड़े कि ये मिस्टेक फिर से कोई राइडर रिपीट ना करे। मैं थोड़ा
डिहाइड्रेट हो गया था और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया एंड एक्चुअली उसकी वजह से थोड़ा डिजीनेस फील हुआ एंड आई गॉट ऑफ ट्रैक ऑफ द रोड और उसकी वजह से मैं स्केट हो गया। उसके बाद टीम केटीएम ने तुम्हारी क्या हेल्प की? टीम केटीएम ने पूरा हेल्प किया, मेरा बाइक पूरा चलवाया, उसके अलावा मेरा पूरा मतलब जो भी मेरे को इंजरी था वो पूरा अच्छे से मैनेज किया एंड आई एम फिट। मतलब यू आर टोटली सेटिस्फाइड बाय टीम केटीएम? या एब्सोल्युटली। दोस्तों इस बार की कोंकण राइड 4 दिन की जो थी उसमें मैंने बहुत ही इंजॉय किया है और सबसे महत्व की बात इस बार जो मैंने सीखी और समझी है वो ये कि कोई भी बिगनर्स को सबसे पहले राइड शुरू करने के पहले सोलो राइड नहीं करनी चाहिए बल्कि ग्रुप राइड करनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप राइड के सबसे ज़्यादा बहुत एडवांटेज होते हैं उसमें। साथ में आपके लिए एक एक्सपर्ट राइडर आपके साथ में होता है जो आपको समय समय पर गाइड करता है कि किस तरीके से आपको बाइक चलानी है। साथ ही ग्रुप राइड में आपके साथ डॉक्टर होता है, मैकेनिक होता है, तो आप बहुत ही सेफ एंड सिक्योर हो जाते हो दोस्तों। और मैं इस बात के लिए टीम केटीएम को, केटीएम इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोंकण की राइड ऑर्गेनाइज की है। तहे दिल से मैं तमाम पदाधिकारियों और तमाम कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी इस तरीके की राइड वो ऑर्गेनाइज करते रहे। और खास तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के डॉक्टर्स जो साथ में हमारे मैकेनिक थे, वो केटीएम टीम के जो दूसरे कार्यकर्ता थे जिन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, संदीप जी ने, और साथ ही स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ राजीव शाह को जिन्होंने समय समय पर पूरी टूर को बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया है, बहुत अच्छे से हैंडल किया है। उसके लिए तहे दिल से मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ढेर सारी मेमोरीज को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, कई नए दोस्तों को अपने साथ में जुड़ा है मैंने और उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरीके से बाद में भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और फ्यूचर में भी ऐसी राइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज़ राजीव शाह, आई एम द राइड लीड फॉर द कोंकण टूर। दिस इज द थर्ड राइड दैट आई एम डूइंग विथ केटीएम, 3 नाइट 4 डेज वाला। couple of points or things on a group ride, of course the group was excellent, सबने सही में ride किया, कुछ ऊपर नीचे हुआ था, feedback हर एक को individual level पर दे दिया गया था and riders followed it. The best part was being a KTM which is more like a, you know, the tagline says racing DNA, still the riders rode in a discipline and safety standards were maintained and everyone was well behaved, everyone enjoyed with each other. In the as far as tips are concerned, one thing that I would like to say whenever you are, which I have been repeating every time, in a group ride it is never individual, it's a team, it's the entire group. One mistake, it is not an individual mistake, it's a team's mistake. One success, it's not an individual success, it's a team success. Look out for each other, help each other, ride together, enjoy and enjoy this brotherhood. Cheers. दोस्तों इस वक्त सुबह के 10:48 हुए हैं और इस वक्त हम फर्न रेसिडेंसी से निकल के सीधे मुंबई की ओर रवाना हो रहे हैं। दोस्तों आज के सुबह के यहाँ पे जो हमारी सर्टिफिकेट सेरेमनी हुई है बहुत ही खूबसूरत हुई है, सभी लोगों को एक एक सर्टिफिकेट दिया गया इस 4 दिन के राइड के लिए और इसके बाद अब हम सीधे निकल रहे हैं मुंबई की ओर। दोस्तों मुंबई जाते वक्त हम बीच में एक बार एक लंच ब्रेक लेंगे और हो सकता है कि हमें 3-4 बार और भी रुकना पड़ सके क्योंकि हमारे पास कुछ लोग हैं जिनके पास हाइड्रेट बैग नहीं है तो पानी की कमी होने की वजह से हमें बार बार पानी पीने के लिए बाइक रुकना पड़ सकता है, पर उसका और कोई चारा भी नहीं है। दोस्तों वैसे बता दूं कि कराड़ फर्न रेसिडेंसी से हम इस वक्त निकल रहे हैं, यहाँ से लेके मुंबई तक का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और वहाँ पे आप बाइक बहुत अच्छी स्पीड में चला सकते हो। दो दोस्त थे हमारे जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही यहाँ से निकल गए, जिसमें से एक का नाम था आशीष त्रिवेदी और दूसरे का नाम था अनिल, कुछ अर्जेंट काम था तो वो सुबह 4 बजे ही यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि रास्ता बेहद ही खूबसूरत है तो राइड करने का बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। दोस्तों इस पूरे वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ और ये D4 का आखिरी वीडियो होगा इस कोंकण राइड का, जिसे मैं बहुत ही जल्द YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगे और अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो पर भी ढेरों लाइक और शेयर जरूर बनता है और हाँ चैनल जरूर अच्छे लगने पर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त जो लड़का मेरे आगे बाइक चला रहा है उसका नाम है रोहित
जॉनस, हम इसे प्यार से निक जॉनस भी कहते हैं और इसकी मजाक भी करते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानता, बहुत ही दिल का साफ लड़का है। इसकी दूसरी खासियत यह है दोस्तों कि ही इज अ डाई हार्ड डॉग लवर। इस ट्रिप के दरमियान दो लोग मुझे ऐसे मिले जो कि डॉग लवर है, जिसमें से एक रोहित जॉनस है और दूसरा नीतीश पाटिल। दोनों ही डाई हार्ड डॉग लवर है, दोनों के पास में डॉग है और रोहित का तो खुद का एक इंस्टाग्राम पेज भी है कैंडी एंड माइन, जिसपे अपने डॉग के साथ अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करते रहता है। दोस्तों मुझे भी डॉग का बहुत शौक है और काफी लंबे समय से मैं एक डॉग को लाना चाहता था, लेकिन मैं ला नहीं सका, लेकिन अगले महीने में जरूर लेने वाला हूँ। और डॉग के बारे में इन दोनों से मुझे काफी सारी ढेर जानकारियां मिली है और ये जान के बहुत खुशी होती है कि जब आप ऐसे ट्रिप पे होते हो और आपको कुछ अधिक से अधिक जानकारी, आपकी पसंदीदा जानकारी मिले, तो और क्या चाहिए। दोस्तों डॉग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंसान से ज्यादा अगर इंसान से कोई प्यार करता है तो सिर्फ डॉग ही होता है जो इंसान से अनकंडीशनल लव कर सकता है। दोस्तों मुझे मेरे घर पे मेरी डॉटर्स कई बार कहते हैं कि पापा एक डॉग ले लेते हैं, लेकिन किसी कारण से मैंने अभी तक नहीं लिया है। लेकिन आज इन दोनों के मिलने के बाद में मैंने ये तय कर लिया है कि अगले महीने मैं एक नया डॉग बाय करने वाला हूँ और मैं खुद ही एक्सपीरियंस एक बार करके देखना चाहता हूँ कि डॉग का लव कितना अनकंडीशनल लव होता है। वाओ, शुगर कैन से भरे हुए दो ट्रक, पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरीके से शुगर कैन से भरे हुए दो ट्रक, और ये देख के वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस वक्त। दोस्तों इस वक्त फिर से एक बार गोप्रो के कैमरे ने धोखा दिया है, राइड करते हुए अचानक कैमरा बंद हो गया और बार बार इस तरीके से बाइक को रोकना और कैमरे को निकाल के उसकी बैटरी निकालना फिर से उसे माउंट करना हेलमेट में इतना आसान नहीं होता है। गोप्रो वालों को फिर से मैं एक बार कहूँगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही कैमरे में हो रहा है, मेरे साथ जितने लोगों के पास जो गोप्रो है, किसी के पास 8 और किसी के पास 7 है, सबके साथ में यही डिफ़िकल्टी हो रही है। राइडिंग के दरमियान बार बार रुक के कैमरे को निकालना और उसकी बैटरी चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसे प्लीज़ सॉल्व करें। देखिए किस तरीके से हमारे फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, किस तरीके की डेडिकेशन और मेहनत के साथ वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं एक दिन में करीब करीब 800 से 900 फोटोग्राफ एवरी डे इन्होंने क्लिक किए हैं। जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों ये पूरी ट्रिप लास्ट में फोटोग्राफ में ही दिखने वाली है, और मैं इस काम के लिए, इस जोखिम भरे काम के लिए मैं तहे दिल से तमाम फोटोग्राफर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के भी फोटोग्राफ्स क्लिक करने नहीं छोड़े और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे लंच ब्रेक के लिए होटल कैलाश में, जो कि ठीक कराड़ से मुंबई के बीच जो एक्सप्रेस हाईवे है वहां मौजूद है। और दोस्तों यहां पर भी हम थाली ही खाने वाले हैं। वैसे बता दूं दोस्तों कि इस पूरे ट्रिप के दरमियान, इस पूरे राइड के दरमियान हमने जहां कहीं भी लंच और डिनर किया है, दोस्तों यकीन मानिए हर होटल का फूड बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही टेस्टी था और हर एक का अपना अपना एक जायका था, एक अलग स्वाद था। दोस्तों तब ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं हकीकत में कहता हूँ कि बहुत जोर की भूख भी लगी है, मैं बाइक पार्क करता हूँ, सीधे लंच के लिए अंदर चलता हूँ और होटल का भी वीडियो शूट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि होटल अंदर से भी ये कैसी दिखती है। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ संदीप जी है जो कि मार्केटिंग टंग कंपनी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने पूरे इवेंट को अंजाम दिया है, फूड से लेके स्टे से लेके, और हर मेंबर का इन्होंने पर्सनल केयर किया है। हर बार जब हम लंच करते थे या डिनर करते थे उसके बाद में आके संदीप जी ने पर्सनली हमें पूछा है कि सर फूड कैसा है, आपका स्टे कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में संदीप जी है, मैं चाहूँगा कि वो दो शब्द अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में कुछ कहें। मैं संदीप, मेरे संदीप, आई एम फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ द टन। वी आर डूइंग 4th रैली फॉर द कूपन। वी डिड 2 एडवेंचर राइड्स एंड 2 राइड्स
We are also doing coalitions, we are into marketing and events. We did lots of rally, like electric bikers, electric cars. So we are happy to help and it's a good job. दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में डॉक्टर खान अब्दुल रहमान है जो कि इस पूरे ट्रिप के दरमियान हमारे साथ में थे हमारे केयर करने के लिए डे वन से लेकर डे लास्ट तक किसी भी तरह की इमरजेंसी से लड़ने के लिए वो हमारे साथ थे और सारी तैयारियां वो करके आए थे तो मैं चाहूंगा कि आपको उनसे भी मिलाता हूँ क्या क्या तैयारियां वो करके आए थे और किस तरह के प्रिकॉशंस और इमरजेंसी के लिए वो तैयार थे आइए दोस्तों मिलता हूँ आपको डॉक्टर खान अब्दुल रहमान से डॉक्टर खान अब्दुल रहमान हमने लोगों के लिए मतलब जो राइडर्स थे उनके लिए हमने अच्छा प्रिकॉशन मेडिसिन वगैरह जो भी था हम लेकर गए थे उनके मतलब एक नॉर्मल मेडिसिन जैसे सर्दी हो गई कफ है कोल्ड कफ है या कहीं एक्सीडेंटल अगर कहीं गिर रहे हैं वो केस है सुपरफिशियली डीप जो भी है उसके लिए हमने एक अच्छा प्रिकॉशन लिया हुआ था और राइडर्स के लिए दोस्तों लंच हो चुका है और इस वक्त फिर एक बार हमें यहाँ से निकलना होगा कैलाश होटल से निकल के हम सीधे मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन जाने से पहले निकलने से पहले मैं आपको इस होटल का एक रिव्यू दे देता हूँ दोस्तों हमने यहाँ पे थाली मंगाई थी और जिसमें 3-4 प्रकार की सब्जी थी रायता था और भजिया था बहुत ही ज्यादा डिलीशियस ये थाली थी और भाकरी थी इसमें रोटी की जगह भाकरी दी गई थी दोस्तों यकीन मानिए जब कभी भी आप इस रास्ते पे आते हो और आपका लंच का मूड हो तो डेफिनेटली कैलाश होटल में एक लंच का ब्रेक आप जरूर लीजिए आपको बहुत ही मजा आ जाएगा दोस्तों इस वक्त ठीक मेरे सामने एक ब्यूटीफुल सी जीप है जिसमें दो दोस्त एक साथ में बैठकर ड्राइव का पूरा मजा ले रहे हैं तो मैंने सोचा इनको शूट करके क्यों ना आपको दिखाऊं देखिए कितनी ब्यूटीफुल जीप है ये दोस्तों इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक हमने हाईवे पे होटल ओम पंचरत्न में लिया है टी ब्रेक लिया है टी ब्रेक लेने की वजह यह है कि इसके बाद आगे सभी के घरों के रास्ते जो है वो अलग अलग है तो हम शायद आगे से सभी लोग अलग हो जाएंगे तो अलग होने से पहले हमने सोचा क्यों ना साथ में एक बार चाय पी जाए और एक एक ग्रुप फोटो आखिरी इस टूर का आखिरी ग्रुप फोटो ले लिया जाए और एक यादगार लम्हा बना दिया जाए इस आखिरी मोमेंट को तो बस हम यहाँ पर मिलकर अभी ग्रुप फोटो लेंगे और फिर अपने अपने घरों की और अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे दोस्तों बड़े भारी दिल के साथ तमाम दोस्तों को गले लगा के उन्हें एक बार गुड बाय कहना पड़ा है वाकई में दोस्तों ये सिचुएशन जो थी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है इस वक्त मेरे सामने बहुत डिफिकल्ट होता है किसी इंसान के साथ में आप जब 4 दिन साथ में रहते हो तो आपके उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग बन जाती है एक इतना अच्छी दोस्ती बन जाती है कि बाद में उनको गुड बाय कह के वहाँ से निकलना बहुत ही तकलीफ़ वाला मोमेंट होता है लेकिन 4 दिन समाप्त हो चुके हैं तो घर तो जाना ही पड़ेगा पर हम सब ने यहाँ पे आपस में एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया है कि संडे की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की राइड में हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को मिलेंगे और हम सभी ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज जो है एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से भी कनेक्ट रह सके और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखे दोस्तों मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम मेरे फेलो राइडर्स का हमारे हेड ट्रेनर्स का और टीम केटीएम को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने खूबसूरती से इस 4 दिन की कोंकण राइड को एक खूबसूरत अंजाम दिया और साथ ही हमें इतना खूबसूरत एक एहसास दिया एक एक्सपीरियंस दिया जिसे लेके हम इस वक्त अपने घरों की ओर जा रहे हैं
कोंकण राइड का ये चौथे दिन का मोटो व्लॉग मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। और जाने से पहले फिर एक बार आप तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि वीडियो अच्छा लगने पे उसे लाइक जरूर कीजिए, उसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले मोटो व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।